डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। पिछले एपिसोड में हमने देखा धीरे-धीरे अपने मुंह को क्ले से भर लेता है और क्ले खाने के बाद वो अपने मुंह से बहुत सारे क्ले निकालता है और उस क्ले से अपने आप की बड़ी मूर्ति बनाता है और टोबी को कहता है वहाँ से भाग जाओ। टोबी वहाँ से भाग जाता है और सास्के यहाँ पर उसकी मूर्ति देख रहा होता है। अब आगे यहाँ पर सास्के जो देदरा है उसकी मूर्ति देख रहा होता है और वो देदरा की मूर्ति को देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इतना बड़ा देदरा कहाँ से है। और देदरा बोलता है कि ये अटैक मैंने खास इताची के लिए संभाला था कि मैं उससे लड़ूंगा और उसको हराऊंगा, पर अब तुम्हारे लिए ही सही। सास्के यहाँ पर भाग रहा होता है और तभी देदरा अपने अटैक का इस्तेमाल करता है और उसकी जो मूर्ति रहती है वो अचानक से फट जाती है और वो बोलता है अब शुरू होगा, अब देखते जाओ। और टोबी देदरा ये देखकर हंस रहा होता है। यहाँ पर सास्के पीछे देख रहा होता है अपनी शरिंगन की मदद से आखिर क्या चल रहा है। यहाँ पर जितने भी बर्ड्स जा रहे होते हैं वो सभी मरना शुरू हो जाते हैं। सास्के की बॉडी भी अचानक से गायब होना शुरू हो जाती है और सास्के की बॉडी फट रही होती है। यहाँ पर जितने भी आसपास के पेड़ और जो लिविंग थिंग है वो सभी इसी तरीके से मर रहे होते हैं, सबकी इसी तरीके से स्किन फट रही होती है और सब मर जाते हैं। सास्के भी इसी तरीके से गायब हो जाता है। आगे भागते हुए टोबी जाता है और टोबी बोलता है अच्छा हुआ मैं देदरा के उसके अटैक से बच गया। वो अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक था, जो देदरा का बड़ा बम था उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बम रहते हैं जो अपने टिश्यू में, यानी जैसे देदरा वो फाड़ेगा बड़ा सा देदरा, उसके बाद वो छोटे छोटे बम अपनी टिश्यूज में आ जाएंगे। सोच लो गाइस वो कितने छोटे है, वो टिश्यूज में आ जाते हैं और देदरा उसको अपने अटैक्स की मदद से फाड़ देता है। तो इसी तरह कितने भी भयानक कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, वो सभी मर ही जाएगा कि वो बॉम्ब्स डायरेक्ट ब्लड सेल्स और टिश्यू में जाके फटते हैं। तभी यहाँ पर देदरा बोलता है मेरा सर दुख रहा है और अचानक से जो देदरा है उसको कुछ फील होता है, उसको फील होता है कि वो उसकी किसी की शरिंगन के अंदर है। और अचानक से तभी हमारा सास्के पीछे से आता है चिदोरी लेते हुए और चिदोरी लेकर वो देदरा को मार देता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं लगा था कि वो कोई खतरनाक अटैक है, इसी वजह से मैं बच नहीं सका। मैंने अपने शरिंगन की मदद से पहले ही देख लिया, मैंने देखा कि बाहर वहाँ से एक बहुत ज़्यादा मात्रा में चाकरा आ रहा है, यानी उसका बॉम्ब। और सास्के बोलता है तुम्हारे बॉम्ब को चाकरा लगता है, तो तुम्हारे जब बॉम्ब्स मेरी तरफ आ रहे थे ना तो मैंने देखा कि चाकरा मेरी तरफ आ रहा है, तो मैंने वहाँ पर मेरा क्लोन रखा और वहाँ से ज़मीन के नीचे से चला गया, अब तुम्हारी बारी। और ये बोलकर वो देदरा को चिदोरी मारता है, पर असली देदरा क्लोन जो उसका क्ले है उसके अंदर रहता है। देदरा बोलता है मुझे भी पता था कि तुमने मुझे अपनी शरिंगन फंसा दिया है और शरिंगन की मदद से तुम मुझे छला हुआ दिखा रहे हो और इसलिए मैंने अपना क्लोन यहाँ पर रखा था, तुम्हें क्या लगता है। और तभी देदरा का पास का सीन याद आता है जहाँ पर देदरा बोलते हैं मैं तुम्हें बड़ी आसानी से हरा दूंगा और वो इताची को हरा नहीं पाता है। इताची उसको अपने गेंजुत्सु में ले लेता है और इसी वजह से जो इताची रहता है वो अपने जो देदरा रहता है वो अपने गेंजुत्सु में फंस जाता है। और फिर जो देदरा रहते हैं वो बोलता है ये क्या हुआ मुझे, तो किस्सा में बोलता है तुम गेंजुत्सु में हो, जब से तुमने इताची की आँख में देखा है तब से तुम गेंजुत्सु में हो। और तभी सामने से देदरा इताची आता है और इताची को देखकर देदरा कहता है ये कितनी सुंदर है, और फिर वो बोलता है नहीं नहीं मेरे आर्ट के अलावा कोई और सुंदर हो ही नहीं सकता है। देदरा बोलता है बस अब और नहीं, तुम्हारा खेल यही परी ख़त्म होता है। और ये बोलने के बाद देदरा अपने मुँह से और क्ले निकाल रहा होता है, यानी वो अपने मुँह से एक और एक देदरा का क्लोन निकालता है और वो सास्के को अंदर फंसा देता है। देदरा यहाँ से अपना हाथ निकालता है और जो अपने बर्ड रहते हैं उससे जम मार देता है। देदरा कहते हैं अब तुम उसके अंदर मरने ही वाले हो। यहाँ पर सास्के अपनी शरिंगन से देखते हैं कि उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे सी उसके बॉम्ब रहते हैं और सास्के बोलते हैं मुझे कुछ करना होगा वरना मैं मारा जाऊँगा। देदरा यहाँ पर उससे जम मार देता है और वो ज़मीन पर गिर रहा होता है। वो बोलते हैं कि अब तुम गए सास्के, अब तुम्हारे बचने की कोई चांसेस नहीं है। और तभी वो सास्के को अपने जुत्सु की मदद से फाड़ने वाला रहता है, पर तभी सास्के देखते हैं अपने हाथ के टिश्यूज में और अपनी जो चिदोरी है चिदोरी मारते हुए निकलता है
यहाँ पर जो देदरा की नकली क्लोन है उसके अंदर चिदुरी मारते हुए निकलता है और देदरा बोलता है चाहे तुम कितना भी बच लो वो सभी बॉम्ब्स तुम्हारे टिश्यूज में आ चुके हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हें यहीं पर ही उड़ा दूंगा। और ये बोलकर वो उड़ाने वाला रहता है। सास्के यहाँ पर जो देदरा है उसकी तरफ आ रहा होता है और वो बोलता है नहीं तुम मुझे नहीं उड़ा पाओगे और वो चिदुरी लेते हुए आ रहा होता है। तभी देदरा बोलता है ये क्या तुम्हें कुछ हो रहा क्यों नहीं है और वो अपने बॉम्ब का इस्तेमाल करता है पर सास्के को तो कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब सास्के ने वो सभी बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर दिया। देदरा बोलता है तुम्हें क्यों कुछ क्यों नहीं हुआ मैंने तो तुम्हारे अंदर देखा था कि तुम्हारे अंदर सभी टिश्यूज के अंदर वो बॉम्ब चले गए थे तो ऐसा कैसे हुआ कि आखिर तुमने मेरे अटैक से बच गए सास्के। और सास्के कहता है या और ये वो उसको मारता है और वो बोलता है तुम्हारे पास अब और चाकरा नहीं है देदरा मुझे कुछ भी करने के लिए। सास्के देदरा को बताता है कि मैंने सबसे पहले तुम्हारे को एनालाइज करना शुरू कर दिया था और जैसे ही मैंने एनालाइज किया तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे अंदर देखने की कोशिश करी कि आखिर तुम कौन से टाइप के नेचर चाक्रा हो तुम्हारा कौन सा टाइप का नेचर चाक्रा है और ऐसे करते करते मैंने तुम्हें एनालाइज किया। सास्के देदरा को कहता है सबसे पहले मैंने तुम्हें तब देखा जब तुम अपनी हैंड साइन बना रहे थे तो तुम अपने बॉम्ब को फोड़ने के लिए अर्थ स्टाइल यानी अर्थ स्टाइल हैंड साइन बना रहे थे तो तभी मैं समझ गया था कि अर्थ के ऊपर तो थंडर आपको पता है कि कैसा होता है तो मैं समझ गया कि तुम्हारी अर्थ स्टाइल जुत्सु है और उसके ऊपर थंडर स्टाइल बहुत ज़्यादा काम करता है पर मैंने देखने के लिए कि आखिर अगर तुम्हारी अर्थ स्टाइल नहीं हुआ तो मैं मारा जाता है इसलिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया मैंने तुम्हें नहीं पता पर मैंने जो चिदुरी बनाई थी वो मैंने अपने ले बनाई थी। तो देदरा कहता है क्या तुमने चिदुरी अपने लिए बनाई थी ताकि तुम वो मेरे सभी बॉम्ब्स को डिफ्यूज़ कर सको। तो सास्के कहता है कि हाँ वो चिदुरी के शॉक की वजह से मेरे अंदर जितने भी तुम्हारे बॉम्ब थे वो भी अर्थ स्टाइल हुए ना जो जितने भी देदरा के बॉम्ब्स थे वो भी अर्थ स्टाइल ही थे तो इसकी वजह से सास्के ने अपने ऊपर ही चिदुरी इस्तेमाल किया और सभी जितने भी बॉम्ब्स थे वो डिफ्यूज़ हो गए। सास्के बोलते हैं मुझे ठोस सबूत तब मिला जब तुम्हारा अर्थ स्टाइल है जब सबसे पहले तुमने मेरे ऊपर अपने जो छोटे छोटे सी बॉम्ब्स है उसके उससे इस्तेमाल किया था पर मैंने अपनी चिदुरी निडल्स की मदद से उन सभी को डिफ्यूज़ कर दिया था तभी मैंने देखा कि जो तुम्हारे बॉम्ब है वो चिदुरी की मदद से डिफ्यूज़ हो गए तब मुझे डाउट किया कि तुम्हारा अर्थ स्टाइल होगा पर मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ था और इसलिए मैं तुम्हें और अटैक करने के लिए बढ़ाता हुआ रिया। सास्के कहता है मुझे जानना था कि वो तुम्हारा अर्थ स्टाइल है कि नहीं और इसलिए जब तुम ऊपर से मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे और मैं लैंड माइंस के ऊपर था तो अचानक से मैंने अपनी स्वॉर्ड को एक माइन के ऊपर फेंक दिया था तो वो कोई माइन मैंने एक बॉम्ब के ऊपर फेंका था पर बॉम्ब तो यानी बॉम्ब तो फटा ही नहीं और मेरी जो स्वॉर्ड है वो थंडर स्वॉर्ड है यानी आपको तो पता है कि सास्के की स्वॉर्ड से थंडर निकलते हैं तो उसने कहा कि मैंने बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर दिया था। तो दाइदरा कहता है तुमने बॉम्ब देखा कैसे तो सास्के कहता है मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख सकता हूँ मैंने अपनी आंखों से देखा मैंने अपनी स्वॉर्ड के अंदर चिदुरी मारी और उसके बाद मैंने बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करी और वो बॉम्ब डिफ्यूज़ हो गया तब मैं समझ गया कि तुम्हारा जो सभी अटैक्स और बॉम्ब है वो थंडर स्टाइल नहीं वो अर्थ स्टाइल है और अर्थ के ऊपर थंडर स्टाइल भारी पड़ता है और तभी से मैं समझ गया था कि तुम अब मुझसे हारने वाले हो और इसलिए अब तुम्हारा और कोई चाकरा नहीं बचा है और मैं अब तुम्हें हराने वाला हूँ। और ये बोलकर सास्के अपने हाथ से स्नेक्स निकालता है और उस स्नेक्स के अंदर बहुत सारे करंट रहते हैं और वो बोलता है कि अब तुम्हारा खेल यहीं पर ख़त्म होता है देदरा और ये बोलकर वो देदरा पे हमला करने के लिए बढ़ता है। देदरा बोलता है इतनी जल्दी नहीं तुम्हें क्या लगता है तुम अकाची को हल्के में ले रहे हो। देदरा सास्के को कहता है कि तुम अकात्सुकी को हल्के में ले लिए तुम्हें नहीं पता कि अकात्सुकी के पास कितनी ताकत होती है और मेरे पास अब भी एक जुत्सु बचा है जिसकी मदद से मैं तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर सकता हूँ। और ये बोलकर जो देदरा रहता है वो अपने शर्ट को खोलने की कोशिश करता है। देदरा बोलता है ये अटैक मैंने खास इताची के लिए बचा के रखा था और इताची को मारना चाहता था। और ये बोलकर देदरा अपने शर्ट को खोलता है और उसकी शर्ट की जो चेस्ट है उसके पास टाके लगे होते हैं। देदरा अपने हाथ की मदद से टाकों को खोलता है और वो बोलता है कि अब तुम्हारा खेल यहीं पर ख़त्म होता है सास्के ये अटैक खास इताची के लिए था पर अब और नहीं इताची नहीं तो तुम्हारा भाई सही तुम ही सही। और ये बोलकर वो अपने चेस्ट को क्ले खिलाना शुरू कर देता है और उसका बदन काला होना शुरू होता है और सास्के को वो कहता है कि तुम्हारे पास अब और चाकरा नहीं बचा है सास्के तो तुम ज़्यादा दूर भाग भी नहीं पाओगे और जो मेरा अटैक है वो 10 किलोमीटर तक काम करता है 10 किलोमीटर। और ये बोलकर जो देदरा रहता है वो हंसना शुरू कर देता है और वो अपनी चेस्ट को क्ले खिलाता है और वो अब होगा असली आर्टवर्क। और ये बोल जैसी वो बोलता है यहाँ पर जो देदरा रहता है वो अचानक से फटना शुरू हो जाता है और देदरा अचानक से एक हमले की तरह फट जाता है और वो इतना बड़ा न्यूक्लियर अटैक होता है 10 किलोमीटर के रेंज के अंदर।